Hello students, welcome back in our today's class. Today we are going to start the reading of your lesson, The Sound of Music, second part. जो इसका second part है, the Shehnai part B, the Shehnai of Bismillah Khan. So start your reading at the page number 23. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayad Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." कहता है कि 14 ईयर के जब बिस्मिल्ला खान होते हैं, वो अंकल के साथ अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं. जब वो अपना म्यूज़िक एंड करने के बाद, रिसाइटल होता है, प्रस्तुत करने के बाद, जो वहाँ के उस्ताद थे फियाज़ खान, उन्होंने उस यंग लड़के का सिर पे हाथ रखा, पैटेड उनका हाथ रखना बैक पे, और बोला, वर्क हार्ड, मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और आप जो चाहते हो बन सकते हो. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लास बिग ब्रेक. कहता है जब रेडियो ओपन हुए लखनऊ में 1938 को, तो वो बिस्मिल्ला खान के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्रेक था. मतलब कि उनको बहुत अच्छा इसे बहुत अच्छी उनको वैल्यू मिली रेडियो के ओपन होने से. सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. तो वो हमेशा ही जो कि रेडियो के ऊपर सुनने वाले शहनाई प्लेयर के तौर पे जाने लगे. व्हेन इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई. तो कहता जब 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, तो बिस्मिल्ला खान फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने नेशन को अपनी शहनाई से ग्रीट किया, वेलकम किया. ही पोर्ड हिज हर्ड आउट इनटू रा कफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रायंस्ट विद डेस्टिनी स्पीच. कहता है कि उन्होंने जो राग कफी थी वो बोली थी रेड फोर्ट पे, और जो ऑडियंस थी, जिसमें कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, उनको इम्प्रेस किया था, उनके दिलों में घर बना लिया था. और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने उन्हें भाग्य से, जो इस लाइन का मीन है ट्रायंफ विद डेस्टिनी स्पीच, मतलब भाग्य से भेंट, उन्होंने उनको बहुत प्रोत्साहन किया था बिस्मिल्ला खान को उनकी जो शहनाई को सुनने के बाद, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था. तो फिर इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने भाग्य से भेंट वाला अपना जो प्रसिद्ध भाषण था ना, वो दिया था इनके शहनाई प्ले करने के बाद. भाग्य से भेंट भाषण का नाम है. बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. क्या, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दी हैं जो कि याद रखने वाली हैं, और कहाँ कहाँ पर दी हैं, भारत में भी और विदेशों में भी. हिज फर्स्ट ट्रिप, उनका फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड का कौन सा था, अफगानिस्तान, वेयर किंग जाहिरू के किंग थे जाहिर खां शाह, वॉज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो डैट ही गिफ्टेड हिम प्राइजलेस पर्शियन कारपेट एंड अदर सोवेनियर. सोवेनियर क्या होता है, मीनिंग लिखा हुआ, थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट, उस जगह से रिलेटेड जो कि गिफ्ट थे उन्होंने उनको दिए, और एक बेशकीमती कारपेट भी दी. वो उसकी म्यूजिशियन से उनकी शहनाई की आवाज़ सुन के इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने उनको बेशकीमती गिफ्ट भी दिए. सो नेक्स्ट, द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाज म्यूज़िक. कहता है सिर्फ किंग ऑफ अफगानिस्तान का जो किंग था, वही उनके म्यूज़िक से फैसिनेटेड नहीं हुआ था. एक और थे, फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्ला प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल गूंज उठी शहनाई. कहता है इतना उनकी एक फेस्टिवल ने उन्होंने म्यूज़िक प्ले किया था, तब उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी थी शहनाई की, इतने प्रेस हो गए कि नेक्स्ट अपनी फिल्म थी उसका नाम भी क्या रख दिया उन्होंने, गूंज उठी शहनाई. सो नेक्स्ट रीडिंग देखो, फिल्म वाजा हिट, और ये फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हो गई, एंड वन ऑफ द बिस्मिल्ला खान्स कंपोजिशन दिल
का खिलौना है टूट गया टर्नड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और एक और कंपोजिशन थी बिस्मिल्ला खान की जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया, और वो भी बहुत ज़्यादा नेशन वाइड बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन हिज सेलुलॉइड वर्ल्ड बिस्मिल्ला खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू विजय भट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कांडा वेंचर संधई अपना। I just can't come to term with the artificial and glamour of the film world, he says with emphasis. Award and recognition came thick and fast. कहते हैं कि वो इतने फेमस थे बट उनको फिल्म लाइन इतनी अच्छी नहीं लगती, उन्होंने ये दो ही रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, यही दो चीज़ें जो उन्होंने की थी, और एक थी तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई थी और दूसरा था विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म थी जिसका नाम था संधि अपना। सो उन्होंने कहा था कि वो फिल्मी संसार की तड़क भड़क से समझौता नहीं कर सकते हैं, उन्होंने ये बात जोर दे के इम्फेसाइज से कही थी। सो बिस्मिल्ला खान्स बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहते पहले थे जिन्होंने अमेरिका में प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल में निमंत्रण दिया गया था। ही आल्सो टुक अ पार्ट द वर्ल्ड एक्सपोजिशंस इन मॉन्ट्रियल इन द कैनिस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तहरीन वाज नेम्ड आफ्टर हिम ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्ला खान। कहते हैं उन्होंने बहुत सारे अब्रॉड में भी जाके अपने म्यूजिक का असर दिखाया था, और उन्हों एक जगह थी जहाँ पे जो कि तहरीन में है वहाँ पे एक मॉस्क्यू का नाम ताहिर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्ला खान के नाम के पीछे रखी गई। नेशनल अवार्ड भी बहुत सारे मिले हैं लाइक द पद्मश्री द पद्म भूषण एंड द पद्मा विष्णु वर कन्फर्म्ड ऑन हिम। ये सारे उनके नाम पे हुए हैं अवार्ड, ये सारे उन्होंने अवार्ड जीते हैं पद्मश्री पद्म भूषण पद्मा विभूषण, ये है भूषण ये है विभूषण। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्ला खान वाज अवार्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविल अवार्ड द भारत रत्न। को कहता 2001 में भारत रत्न अवार्ड भी मिला है विद द कन्वेंटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड ही आईज ग्लिटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेट All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. कहता है कि उन्होंने जब उनको भारत रत्न अवार्ड मिला उन्होंने इसको अपने छाती से दिल से लगाया और उनकी आँखों में एक रेयर चमक थी रेयर हैप्पीनेस थी और उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को भी म्यूजिक टीच करें, ये हमारा रिच ट्रेडिशन है और हमें इसे आगे लेके जाना है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सटेंडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड धुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। कहता है कि चाहे वो सारा वर्ल्ड घूम लेते थे बट उनके फेमस प्लेस बनारस एंड धुमराव थे और वो वहाँ जाते रहते थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वॉन्टेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए एंड द स्टूडेंट प्रोमिस टू क्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल हेयर बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। तो कहता है एक बार क्या होता है एक उनका स्टूडेंट होता है जो उनको निमंत्रण देता है यूएसए के स्कूल में हेड ऑफ शहनाई स्कूल हेड बनने के लिए वांटेड हिम टू हेड की अगुवाई करे शहनाई स्कूल की जो कि यूएसए में है और वो स्टूडेंट उनको प्रॉमिस करता है कि जो जैसे पर बनारस का एटमॉस्फेयर था वो मंदिर के जैसा वो वहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो खान साहब ने क्या था अगर वो रिवर गंगा को ही ट्रांसपोर्ट कर पाए तो बहुत अच्छा बात है बट वो उनके कहने का मतलब ये था कि चाहे वो विदेश में हो जहाँ मर्जी रहें वो अपने कल्चर को अपनी वो यादों को नहीं छोड़ते थे। और जैसे जब उस स्टूडेंट ने कहा कि क्या वो मंदिर तो ले आएगा क्या गंगा को भी वहाँ पे ले आएगा तो वह हैरान हो गया था।
वी करने की वे कहते हैं लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरन कंट्री कि अगर मैं फॉरन कंट्री में होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को याद करता हूँ वाइल इन मुंबई जब मैं मुंबई में होता हूँ आई थिंक ओनली ऑफ बनारस एंड द होली गंगा बनारस और होली गंगा के बारे में सोचता हूँ जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं किसके बारे में सोचता हूँ आई मिस द यूनिक मथा ऑफ बुमराह मैं बुमराह के बारे में सोचता हूँ तो लास्ट पे इसकी रीडिंग करूँ बेटा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरल प्ले द शहनाई वेरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल कहता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक परफेक्ट एग्जाम्पल के तौर पर काम उदाहरण है ऐसी विरासत उन्होंने ऐसी मतलब हमारी संस्कृति को ऐसी संस्कृति बनाई जो ऐसी विरासत जो सहज रूप से स्वीकार कर लेती है और उनके जैसा एक सच्चा धार्मिक मुसलमान जो कि मुसलमान थे हम हर मंदिर में चाहे कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो वेरी इजी शहनाई बजा सकते हैं कि चाहे वो मुसलमान थे बट वो नेचुरली शहनाई प्ले करते थे कहाँ पे करते थे काशी विश्वनाथ टेंपल पे सो लास्ट में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इल 90 ईयर की उम्र में बीमारी से उनकी मौत होगी ही वॉज गिवन अ स्टेट फनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग मॉर्निंग होता है दुख का प्रगटावा करना सो आई होप आपको बेटा समझ आ गया होगा ओके बेटा बाय टेक केयर